आज बूंदी का लड्डू बनाएंगे। बूंदी का लड्डू बनाने के लिए पहले चाशनी बना लेते हैं। ये मैं 200 लड्डू के लिए बना रही हूँ। तो ये मैं 2 किलो बेसन के लिए चाशनी बना रही हूँ। तो उसमें 9 ग्लास चीनी, 1/2 किलो वाला ग्लास होता है ना, उसमें 9 ग्लास चीनी ले रही हूँ। उसी ग्लास से 4 ग्लास पानी डालेंगे। इसको अभी गैस पर रख देते हैं, ये पिघलने देवे। अभी दूसरे बर्तन में 5 ग्लास बेसन लेंगे। एक एक किलो 2 बार हम मिक्स करेंगे। पहले 1 किलो मिक्स करेंगे। 2 किलो बेसन के लिए अभी चाशनी जो बनाया है वो 2 किलो बेसन के लिए है। फूड कलर 1/2 स्पून पानी में मिक्स करके येलो कलर, लेमन येलो वो डाल रहे हैं। अभी 3 ग्लास पानी डालेंगे। इसको घुमा के मिक्स कर लेंगे। एक ही लेवल में घुमाने से इसमें गुटली नहीं बनेगा। एक ही साइड से ऐसा घुमाना है। ये थोड़ा गट्ट है और 1/2 ग्लास पानी पड़ेगा इसमें। देखिए पहले ऐसा मिक्स कर लेते हैं गुटली के बिना। देखिए और 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अभी चाशनी में नींबू का रस, 1/2 स्पून नींबू का रस डाल रहे हैं। एक नींबू फूड कलर, येलो कलर चाशनी तैयार हो गया है। देखिए ऐसा बूंद गिरने जैसा। देखिए मैं हाथ भी लगा के दिखाती हूँ, ऐसा एक तार जैसा, एक तार से भी कम इतना। चाशनी तैयार हो गया है। इसको एक दूसरे बर्तन में फिल्टर कर लेंगे। इसमें जो भी कचरा हो फिल्टर हो जाएगा। अभी कढ़ाई रखा है, उसमें तेल डाल रही हूँ। ऑयल, रिफाइंड ऑयल, तला हुआ तेल नहीं लेना है, फ्रेश ऑयल लेना है। अभी ऑयल गरम होवे, तेल गरम हो गया है, उसमें आटा डाल के ऐसा थोड़ा हाथ से ये करने से बूंद बूंद बूंदी गिरेगा। देखिए कितना गोल गोल बूंदी बना है, राउंड राउंड बूंदी बन गया है। ये हाथ लगाने से पट करके साउंड आता है, तब ये बूंदी बन गया है, तल गया है। तो अभी इसको देखिए ऐसा, अभी इसको निकाल देंगे। फटाफट निकालना है, नहीं तो पहला वाला ठीक रहेगा, बाद वाला कलर आ जाएगा। ऐसे ही दोबारा जो भी आटा है एक एक करके ऐसा तल लेना है। देखिए
इसको भी निकाल देंगे। ये निकालने का ढंग थोड़ा देख लीजिए, ऐसा दोनों छन्नी से ऐसा निकाल देना है फटाफट। अभी उसी चाशनी में इसको डाल देंगे। ऐसा करके सब बूंदी रीति से हम बना लेंगे। अभी ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं अंदाज में। मैं 1 किलो में 1 मुट्ठी कटा हुआ लेती हूँ, ये 2 किलो के लिए है। लवंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको लवंग को थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है, बड़ी इलायची को भी थोड़ा मोटा कूट लिया है। अभी 1 कढ़ाई में घी डाल के ड्राई फ्रूट को तल लेते हैं। पहले मैं किशमिश डाल रही हूँ क्योंकि किशमिश जल्दी तल जाता है, तो घी थोड़ा कम गर्म है तो वो फूलते ही निकाल देना है। देखिए सब किशमिश फूल गया है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। अभी काजू तल रही हूँ बड़ा बड़ा साइज वाला। काजू, बादाम थोड़ा रोज कलर तल लेते हैं घी में। उसी घी में ये गरम मसाला भी डाल रही हूँ, लवंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको थोड़ा भून लेते हैं। देखिए बूंदी कितना सुंदर हो गया है। इसको अभी इसमें मिक्स करते हैं। बूंदी बनने के बाद 1.5 घंटा उसको रेस्ट के लिए रख के फिर ड्राई फ्रूट डाल के इसको मिक्स करना है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। किशमिश, बादाम, काजू सब डाल दिया है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना रिच लग रहा है। अभी इसको एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। ऐसा बूंदी लड्डू बांध लेंगे। देखिए कितना सुंदर शाइनिंग शाइनिंग। जो साइज हमको अच्छा लगता है उस साइज में ऐसा वो बड़ा वाला काजू ऊपर से रख करके बांध रही हूँ। कितना सुंदर लड्डू बन गया है। देखिए बूंदी का लड्डू रेडी हो गया है। बूंदी लड्डू रेडी।